गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करते हैं साइकोलॉजी। आई थिंक आप लोग ये शब्द पहले से भी जान चुके सुने हैं। बता सकते हैं साइकोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दिस वर्ड साइकोलॉजी इज मेड अप टू वर्ड्स, साइकी प्लस लॉगस। साइकी मीन्स, साइकस मतलब होता है आपका माइंड या सोल। माइंड मतलब क्या आपका? माइंड या मस्तिष्क। और सोल मतलब क्या? आत्मा। लॉगस मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ। द वर्ड साइकोलॉजी इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड साइकस प्लस लॉगस। ये जो आपका साइकोलॉजी शब्द है, ये क्या मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण है। और इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा, सॉरी ग्रीक भाषा से हुई। जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो लैटिन या ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। ये जो हमारा साइकोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ है एक साइकस, जो मतलब होता है माइंड एंड सोल। माइंड मतलब क्या? मन या मस्तिष्क। सोल मतलब क्या? आत्मा। जब सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो है क्लासिफिकेशन या इसका जब रूट मीनिंग, इसका ओरिजिन का पता लगाया गया, तो ये पता लगता है कि ये ऐसा विज्ञान है या ऐसी अध्ययन है जिसमें मन या आत्मा के विषय में हम पढ़ते हैं, जानते हैं या अध्ययन करते हैं। इसका रूट मीनिंग क्या हुआ? इसकी रूट मीनिंग कहां से ली गई? ग्रीक भाषा से, साइकस शब्द से, मतलब माइंड या सोल। सबसे पहले जो है इस शब्द को कई शताब्दियों में डिफाइन किया गया। 16 में किया गया, 17 में किया गया, 19 में किया गया, 20 में किया गया। अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग लोग आए और इसका जो है इसके बारे में इस शब्द की व्याख्या की। इस शब्द का व्याख्या जब सबसे पहले 16वीं शताब्दी में हुआ, डिस्कार्टे, प्लेटो और अरिस्टोटल या अरस्तु। अरिस्टोटल ने जब इस शब्द का व्याख्या किया, एक्सप्लेनेशन किया, तो उन्होंने बताया सबसे पहले साइकोलॉजी या मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। बात आती है कि आत्मा क्या है। उन्होंने ये इन तीनों लोगों ने ये तो बता दिया, डिस्कार्टे, प्लेटो और अरिस्टोटल ने, कि ये आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ये उन्होंने ये डिफाइन नहीं कर पाया कि आत्मा एक्चुअली में है क्या। इस शब्द को वो परिभाषित नहीं कर पाए और इस डिफिनेशन को क्या किया गया? नकार दिया गया। फिर आपका आता है 17वीं शताब्दी में, कैंपाजीनी नाम के साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये मन का या मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन सिर्फ मन का विज्ञान है? बताइए, मनोविज्ञान सिर्फ मन का विज्ञान है? कुछ लोगों ने इसको क्या किया, कुछ लोगों ने नहीं, जेम्स ने और वोल्ट ने, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस थ्योरी को जो है इनकार कर दिया और एक नई थ्योरी दी। उसमें उन्होंने बताया कि ये क्या चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। चेतना मतलब क्या? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। विलियम वुंड ने और विलियम जेम्स ने ये बताया कि ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में आते आते जो है एक महान
व्यवहारवादी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, वाट्सन, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान न होके ये व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में, 20th century में, दे फाउंड दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये व्यवहार का विज्ञान है। एक बात और, चेतना का विज्ञान का खंडन किसने किया था? फ्रायड नाम के साइंटिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, साइकोलॉजिस्ट भी। उन्होंने क्या, अचेतन मन को भी इसमें लाया। जब कॉन्शियस माइंड आया तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं ना कहीं एक शब्द आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, और उन्होंने बताया कि अगर चेतना यह है तो अचेतना क्या है। तब वहां विलियम वुड्स और जेम्स जो है फेल हो गए और उसका भी खंडन हो गया। तो लास्ट में आया जब इसके व्यवहारवादी जो है आपके वाट्सन, उनका समर्थन किसने किया? जीन पियाजे ने। पावलोव ने और आगे सभी लोगों ने। बाद में इन्होंने क्या बताया कि ये व्यवहार का विज्ञान है। किसके व्यवहार का विज्ञान है? बालक के या मानव के। पहले तो ये साइकोलॉजी शब्द क्या था? मनोविज्ञान था, और मनोविज्ञान का एक पार्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बालक के मन का विज्ञान नहीं, बालक के व्यवहार का विज्ञान। इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बालक के व्यवहार का विज्ञान। लेकिन इसको जो है पढ़ाने की दृष्टि से रखा गया, तो बाद में इसी बाल विज्ञान, मनोविज्ञान को जो है बाल विकास के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। हम लोग बीटीसी में या फिर बीएड में, अब जो सब्जेक्ट हमारे उसमें है, सिलेबस में है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान नहीं, बाल विकास पढ़ते हैं। दैट्स इज द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है बाल विकास, हमारे सीटेड सिलेबस का ये पहला पॉइंट है क्या? बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? यह वह विज्ञान है बाल विकास वह विज्ञान है जिसमें हम बालक के व्यवहार का अध्ययन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करते हैं। समझ में आया बाल विकास क्या है? बताइए, इतनी बात समझ में आई? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ये कहाँ से, किस किस सन में जो है, किस किस शताब्दी में, सॉरी सन नहीं शताब्दी में जो है इसकी डिफिनेशन चेंज हुई, और एट लास्ट में हमने क्या पाया कि साइकोलॉजी जो है मन का विज्ञान न होके व्यवहार का विज्ञान है। और फिर जो है चेंजेस किस में आई? बाल विकास से, सॉरी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये किसका विकसित रूप है? बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया है,
इससे पहले बाल विकास को किस नाम से जानते थे? बाल मनोविज्ञान। पढ़ा रहे तो उसको कैच करिए, हर चीज नोट मत करिए, नोट्स हर जगह मिल जाएंगे। ये क्या बाल मनोविज्ञान, उसी का ये क्या है, बदला हुआ रूप। अब देखिए बाल विकास, आपको ये समझ में आ गया कि बाल विकास क्या है? बाल विकास क्या है? बालक के व्यवहार का एक विज्ञान है, जिसमें हम बालक के विकास का अध्ययन उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक करते हैं। और इस विकास का अध्ययन करने के लिए हम बालक के अनेक अनेक जानते हैं कि बालक की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, और उन अवस्थाओं को जो है अलग अलग शिक्षाविदों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं। रॉस ने जो है बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्था अलग अलग शिक्षाविदों ने क्या है, इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग किया हुआ है। रॉस ने इसे जो है चार अवस्थाओं में विभाजित किया हुआ है। पियाजे ने भी इसे जो है, जीन पियाजे ने भी इसे चार अवस्थाओं में विभाजित किया हुआ है। हर लॉक ने 11 अवस्थाओं में विभाजित किया है। रूसो ने इसे 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है, और अध्ययन के दृष्टि से हम इसको जो है 5 अवस्थाओं में विभाजित करके पढ़ते हैं। ये जो है वैसे मेनली जो है आपका 3 अवस्थाओं में होता है, वो आपका है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर आपका है किशोरावस्था। बहुत सारे लोगों ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा हुआ है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा हुआ है, क्या है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसे क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, और ये आपका क्या है, लेट चाइल्डहुड। ये आपकी है इन्फेंसी, शैशवावस्था, और ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका एडोलसेंस, शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्या है, फॉर्चुनेट न्यूनेट। फॉर्चुनेट आपका क्या है, जब बालक जन्म लेता है, गर्भ से बाहर आता है, और गर्भ से बाहर आने के बाद का जो 30 मिनट का समय होता है वो क्या कहलाता है, फॉर्चुनेट, 30 मिनट का समय। उस समय में क्या होता है, बालक की जो है नाल काट के उसकी माँ से और बालक को अलग किया जाता है, और 30 मिनट के बाद का टाइम जो होता है, 30 मिनट के बाद का टाइम जो होता है वो 2 वीक्स, 2 हफ्ते का जो समय होता है, 30 डेज, 4 वीक्स, 30 डेज का जो समय होता है, 4 वीक्स, उसे हम न्यूनेट के नाम से जानते हैं। न्यूनेट मतलब नवजात, नवजात शिशु। ये देखिए हर लॉक ने जो है इस नियोनेट के पीरियड को सिर्फ 2 हफ्ते माना है, 14 दिन का माना है, और बाकी लोगों ने इस नियोनेट को जो है 30 दिन माना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस नियोनेट को 3 वर्ष तक मानते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है, बताइए।
नहीं समझ रहे हैं? कुछ बताइए। देखिए फिर से देखिए, अभी अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा हर एक अवस्था। ये तो मैं आपको बस माइंड मेकअप कर रही थी कि ये क्या क्या है। अभी आपको जब शैशव अवस्था पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि इन लोगों ने कब कब इसको वर्गीकृत किया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। और फिर उसके बाद फिर बाल्यावस्था को भी आपको पढ़ाया जाएगा तो कि इन लोगों ने जो है इसको विभाजित किया है कितने कितने उसमें, और इसके बाद इसकी क्या विशेषता है, अलग अलग अवस्था की अलग अलग वो बताया जाएगा। अब देख लीजिए शैशव अवस्था, इतनी बात समझ में आई? शैशव अवस्था होता है जब बालक गर्भधान से निकल के बाहर के वातावरण में आता है, उसे शैशव अवस्था कहते हैं। जब वो जीरो माह से प्रारंभ करता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। और बहुत सारे शिक्षाविदों ने इसको इसका जो क्लासिफिकेशन है इस अवस्था को अलग अलग आयु में बांटा हुआ है। सबसे पहले देखिए हरलॉक में, हर लॉक में शैशव अवस्था को 14 डेज से लेकर 2 वर्ष तक रखा है। मतलब हर लॉक में जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने हर लोगों ने शैशव अवस्था से अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, लेकिन हर लॉक में जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने गर्भावस्था को भी अपने क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण में क्या किया, शामिल किया हुआ। और ये गर्भावस्था कब से कब तक है, बताइए गर्भावस्था कब होगा, बताइए गर्भावस्था कब होगा? गर्भावस्था होता है जब तक बालक जो है गर्भ में होता है, उसमें माँ हो नहीं कहते। फिर शैशव अवस्था में कब होता है, जन्म के बाद आता है। क्लियर? गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है आपका उत्तर, और पूर्व और उत्तर। आपका एक किशोरा और आपका एक उसमें आता है बचपनावस्था, गर्भावस्था, बचपनावस्था, शैशवावस्था के बाद आपका आता है बचपनावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और फिर एक आता है आपका वयसंधि, फिर आता है पूर्व और उत्तर। फिर आपका आता है प्रौढ़ावस्था, फिर आपका आता है मध्यावस्था,
नीचे आता है ग्यारहवां वृद्धावस्था। ये जो है हर लाभ तो क्लासिफिकेशन है, हर लाभ ने क्या किया, एक तो गर्भावस्था डाला और दूसरा बचपनावस्था। बाकी लोगों ने क्या किया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को ही क्या किया, या तो एज डायरेक्ट रख दिया या तो उसको दो कालों में विभाजित कर दिया। लेकिन हर लॉक ने क्या किया, इन्होंने गर्भावस्था को भी इसमें डाला और बचपन अवस्था को भी। और रास में नोट हो गया, नोट मत करिए, मिल जाएगा आपको नोट। आइए देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था। हर लॉग ने शैशवावस्था बताया आपको 14 डेज टू 2 इयर्स। आपका उन्होंने 2 वर्ष बताया और इसके बाद जो है पुप्पू स्वामी ने इसे 3 वर्ष का बताया। शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, पुप्पू स्वामी ने इसे 3 वर्ष का बताया, पियाजी ने इसे 2 सप्ताह 14 दिन पियाजी ने इसे 2 वर्ष का बताया। शैशवावस्था को पुप्पू स्वामी ने 3 वर्ष, पियाजी ने 2 वर्ष और हर लॉक ने 2 हफ्ते। और इसके बाद एक लोग और हैं, फ्राइड ने इसे 5 वर्ष बताया। फ्राइड 5 वर्ष बताया और क्रो ने इसे 6 वर्ष बताया। इसे 6 वर्ष का बताया। तो अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है कि कुप्पू स्वामी ने 3 वर्ष बताया, हर लॉक ने 2 वीक बताया, पियाजे ने 2 वर्ष बताया, फ्राइड ने 5 वर्ष बताया, क्रो और क्रो ने 6 वर्ष बताया। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहले क्या है, शैशवावस्था समायोजन की अवस्था होती है। समायोजन की अवस्था, इसे समायोजन की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि बालक पहले वातावरण से समायोजित करता है। वेरी गुड। क्या बालक जो है गर्भ से निकल के बाहरी वातावरण में जब प्रवेश करता है तो वो अपने आप को क्या करता है, इस वातावरण में समायोजित करता है, इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, समायोजन की अवस्था कहते हैं। दूसरा है आपका, बालक जब अपने आप को समायोजित कर लेता है देखिए, क्योंकि शैशवावस्था में इस काल को जो है 6 वर्ष तक रखा गया है, 5 से लेके 6 वर्ष तक रखा गया है, तो इसमें वो सारी जो विशेषता है जो बालक या उसकी बचपना की आती है उसका भी कैरेक्टर इसमें रखा गया है। और इसे क्या सीखने का आदर्श काल कहते हैं, आदर्श काल, इस शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ ने कहा है, वुडवर्थ ने बताया कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फ्राइड ने क्या बताया, फ्राइड ने कहा कि बालक को जो बनना होता है वो प्रथम 5 वर्ष के भीतर बन जाता है, मतलब बालक का जो है उसके भविष्य का निर्धारण शैशवावस्था में हो जाता है। क्लियर। फ्राइड
फ्रायड ने बताया कि बालक को जो भी बनना होता है वो प्रथम के 5 वर्षों में बन जाता है। और जो है वुडवर्थ ने बताया कि सीखने का आदर्श काल क्या है, शैशवावस्था। इज इट क्लियर? अगला इसका विशेषता है अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या? बालक जब अपने आसपास मतलब उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनका क्या करता है, कॉपी करता है, उनको क्या करता है, इमिटेट करता है, अपने जैसे वो बिहेवियर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो अपने आप जो है उस बिहेवियर को फॉलो करता है और उस तरह की क्या क्वालिटी शो करता है और उस चीज को क्या कहते हैं, अनुकरण या इमिटेशन। ये शैशवावस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। बालक जब छोटा रहता है तो वो बहुत ही अनुकरण करता है। किसका? आप अपने आसपास के लोगों का, अपने माँ का, अपने बाप का, और भाई बहन है तो उनका, सबका वो क्या करता है, कॉपी करता है उनकी, चाहे उनका किसी कार्य में हुआ, चाहे उनकी बात हुई, चाहे बोली हुई, पहनावा ओढ़ावा, बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि अगर लड़की है, छोटी बच्ची है, तो अपनी मम्मी का आँचल लेके खेलती है, दुपट्टा लेके खेलती है। क्यों? वो ये दिखाती है कि वो जो देखती है कि माँ ओढ़े हुए है तो वो अपने आप को उसमें शो करती है या उस तरीके के प्रतिमान का जो है स्थापना करती है। अगला पॉइंट है आपका नैतिकता का अभाव या निर्भर। पहले अच्छे नैतिकता का अभाव, लैक ऑफ मोरालिटी। बालक बहुत छोटा है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि किसको क्या बोलना है। बहुत बार आप लोग सुनते हैं कि आप यहाँ मत बैठिए, यहाँ से जाइए, यहाँ से उठ जाइए, ये सारी चीज़ें। क्यों? अभी बालक एकदम स्वतंत्र है, वो ये नहीं समझ पाता कि क्या चीज़ उचित है, क्या बोलना उचित नहीं है, तो उसमें बालक में बहुत अनैतिकता पाई जाती है। और इसीलिए इस काल की विशेषता क्या होती है, नैतिकता का अभाव इस शैशवावस्था में पाया जाता है। और अगला पॉइंट है आपका और एक चीज सामाजिकता। सामाजिकता का अभाव पाया जाता है शैशवावस्था में। देखते हैं कि बालक जो है अपने आप को एकदम अलग कमरे में रखे जो है अपनी एक्टिविटी करता है। अगर कोई एंटर करता है, कहता है आप बाहर रहिए, मैं अंदर खेल रहा हूँ। उसे समाज से कुछ लेना देना होता है, वो अपनी सारी क्रियाएं जो है अपने ही करना चाहता है। और इसलिए इसमें जो है बालक में सामाजिकता का अभाव होता है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे ही कॉलेज स्कूल जाना स्टार्ट करता है स्कूल, तो बचपनावस्था में नहीं जाता, वो जाता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था का प्रारंभ होती है 6 वर्ष के बाद। बहुत सारे लोगों ने इसका वर्गीकरण किया और बहुत सारे लोगों ने 2 से 6 वर्ष का पूर्व जो है बाल्यावस्था किया है और 6 से 12 तक का उत्तर बाल्यावस्था। और बालक का जो स्कूल एज होता है, जो स्कूल जाने का आयु होता है, वो होता है 6 से 12। इस आयु में जब बच्चा प्रवेश करता है तो इसका जो है स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए उसका दाखिला करवा दिया जाता है। जब वहाँ जाता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर समूह की भावना का विकास होता है। जब बालक स्कूल जाएगा और सारे बच्चे वहाँ होंगे, है ना, स्कूल जब जाएगा तो वहाँ उसके सीट पे बच्चे होंगे, उसके क्लास में बच्चे होंगे, पहले तो अपने सीट के बच्चों के साथ वो क्या करेगा, समायोजन करेगा, उनसे जो है समूह का विकास होगा, फिर धीरे धीरे और सारे बच्चों से मिलेगा, तो सामूहिकता का भावना का विकास होगा। इसके बाद जब सामूहिकता का विकास हो जाएगा तो वो थोड़ा सामाजिक होने लगेगा। अगल बगल के जो क्लास है, अगर मान लीजिए 4th में पढ़ रहा है बच्चा, तो 5, 6 वाले बच्चों से भी क्या करेगा, मिलेगा, बातचीत करेगा, तो उसमें क्या आएगा, सामाजिकता का विकास। और सामाजिकता का विकास सबसे ज्यादा कब होता है, जब बालक जो है एडोलसेंस में पहुंच जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है, और वो सामाजिक प्रतिमानों को कम मानने लगता है जब वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाता है। वो तब अपने आप को एकदम जो है आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहता है और ऐसे कार्य करता है कि समाज में हमारी निंदा न हो, है ना।
और सामाजिक कार्य जितने भी हैं आपकी किसी की सहायता करना, ये वो ऐसे जो है सारे प्रतिमानों का वो क्या अनुसरण करता है, अनुपालन करता है, सामाजिकता हो गया। और सबसे बड़ी विशेषता होती है शैशवावस्था की, वो है अहम केंद्रता, अहम केंद्रता। क्या बच्चा बहुत ही ईगो सेंट्रिक होता है, बच्चे के अंदर क्या होता है वो अपने ही शरीर के अंगों से क्या खेलता रहता है, वो चाहे उसका हाथ हुआ पैर हुआ, और अहम केंद्रता उसे अपने आप से प्रेम होता है, उसकी अपनी ही चीजों से प्रेम होता है, इसलिए इस एज को क्या कहते हैं, अहम केंद्रता का आयु कहते हैं। बात समझ में आई? और शैशवावस्था में आपकी एक विशेषता और आ जाती है, संवेगात्मक विकास की अवस्था। क्या होता है इसमें बच्चों का जो संवेग होता है, संवेग क्या होते हैं, संवेग क्या होते हैं, जैसे प्रेम, प्रेम जितने भी सारे जो है आपकी इनर फीलिंग है, इंस्टिंक्ट्स है, वो सारी क्या कहलाती हैं, संवेग, आपके इमोशंस या आपके सेंसेशन कहलाते हैं। इसमें बालक, जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसके संवेग में क्या अस्थिरता पाई जाती है, वो बहुत ही क्षणिक होता है, बालक कभी तुरंत हंसता है, कभी तुरंत रोने लगता है, उसमें अस्थिरता पाई जाती है, और इसलिए बालक का जो है संवेगात्मक जो है वो विकास जो होता है वो थोड़ा क्षणिक होता है, और ये इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे जैसे बालक जो है बाल्यावस्था किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके संवेग क्या होते हैं, स्थिर होने लगते हैं। जैसा कि अभी जो बालक है छोटा, उसको कुछ चाहिए होता है तो वो ये नहीं देखता है कौन हमें देख रहा है, क्या समाज जिद करता है, जिद नहीं पूरी होती तो जमीन पे लेटने लगता है, तो ये क्या होता है, वो अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन यही क्या, अभी थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, जैसे आप ही लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चाहती होती हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को या फिर हर चीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। अगर आपके साथ कुछ भी होता है, मान लीजिए क्लास में आपका इंसल्ट हो गया या फिर किसी से कुछ भी हो गया, तो आप कहते हैं कि ना अभी नहीं, अभी यहाँ सब लोग देख रहे हैं कहीं, या तो फिर अपने सेंसेशन आप कहीं बाहर निकालते हो, या फिर गुस्सा है तो आप जो इसको बाहर कहीं मारते पीटते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होता है, ये कंट्रोल होता है अपने सेंसेशन पे, अपने इमोशन पे, और यही जो है शैशवावस्था में इसका कमी पाया जाता है, लैकनेस ऑफ सेंसिविटी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, बाल्यावस्था।